हेलो एवरीवन, ये सोशियोलॉजी का 50वां पार्ट है और हम लोग कुछ बेसिक प्रश्नों को ले रहे हैं जो रोल से सामाजिक संरचना की बेसिक बातों से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन है, कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, विद्यार्थी या महिला ब्राह्मण? परिस्थिति से क्या मतलब है, सामाजिक पद या कार्य? परिस्थिति प्रतिष्ठा यानी स्टेटस प्रेस्टीज उपागम का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, एल वार्नर द्वारा या मैक्स वेबर द्वारा? समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया, रॉल्फ लिंटन ने या मैक्स वेबर ने? भूमिका का समाजशास्त्रीय अर्थ है परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार या व्यक्ति का व्यवहार। देखिए, ये सारे प्रश्न आ चुके हैं, नेट में पूछे हुए प्रश्न हैं। और एक महिला स्वयं को अन्य के महत्व के परिप्रेक्ष्य में प्राकल्पित करती है एवं स्वयं को उनकी दृष्टि में देखती है, ये एक उदाहरण है भूमिका धारण का या भूमिका अपेक्षा का। बहुत बेहतरीन सवाल है, बस इसको बार बार रिपीट करके आपको सुनना पड़ेगा। परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया, मार्टन या पार्सन्स? और ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण कौन है, ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण? पति पत्नी या जजमान? किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को दो भागों में प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में वर्गित किया है? देखिए, यह आ गया प्रश्न पूछा हुआ है, द स्टडी ऑफ मैन या मैन एंड कल्चर? ध्रुवीय परिस्थिति यानी पोलर स्टेटस का उदाहरण है माता पिता या भाई, आया हुआ प्रश्न है ये। और किसने भूमिकाओं को संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, रिलेशनल रोल नॉन रिलेशनल रोल, एसएफ नेडल या रॉल्फ लिंटन? औद्योगिक समाज में अर्जित परिस्थिति के संभव होने का कौन सा एक कारण है, सामाजिक गतिशीलता या पर संस्कृति ग्रहण? ये भी पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि भाई औद्योगिक समाज में अर्जित परिस्थिति का क्या कारण होता है। अच्छा, किसने हम पर इस बात पर बल दिया कि द्वंद समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है, कोजर या मैक्स वेबर? भूमिका संघर्ष में भूमिका प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किसने दिया है, मार्टन या लिंटन? बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी आया हुआ प्रश्न है। और भूमिका द्वंद कब उत्पन्न होते हैं, ये प्रश्न एक आया है नेट में, इसमें मैं आपको पूरा प्रश्न समझाऊंगा। भूमिका द्वंद कब उत्पन्न होते हैं, सारे ऑप्शन है, जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पन्न करता है, जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित न हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति के अनुरूप न हो, सभी
तो इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। और किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शात्मक अधिकारों एवं दायित्वों का संरक्षण संस्थागत गुच्छ हो जाती है, लिंटन ने या दुर्खिम ने? और पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थिति को क्या कहा जाता है, युग्म परिस्थिति या परिस्थिति पुंज? तो बहुत अच्छे से इसको करना है आपको। एक व्यक्ति की भूमिका उस समाज में अधिक सुव्यक्त होती है जिसमें श्रम विभाजन होगा या श्रम विभाजन नहीं होगा। सामाजिक भूमिकाएं उत्तरदायी हैं समाज के निर्बाध कार्य के लिए या सामाजिक विघटन के लिए? किसने कहा भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है, अकबर एवं निमकॉफ या किंग्सले डेविस? निजवाचक भूमिका ग्रहण, भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया, मीड ने या कूले ने? कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, विद्यार्थी या महिला? तो बहुत ही बेहतरीन है, इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।